हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेपी के अंदर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक जो अपना फील्ड क्रॉप है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज, आई होप आप सभी को वीडियोस पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा क्या कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेसा मोम के बारे में। सेसा मोम क्या है? आपकी एक ऑयल सीड क्रॉप है जिससे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। और बेसिकली ये मैंने पहले बताया कि इस प्रकार की क्रॉप बेसिकली ग्रो की जाती है ऑयल के लिए, यानी कि इनके अंदर हमें ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो सेसा मोम क्या होता है? वर्ड सेसा मोम, इसको हम बोलते हैं तिल। कॉमन नेम की बात करें तो तिल बोलते हैं। तिल से आप सभी को पता चल गया होगा ये कौन सी क्रॉप है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन का क्या मतलब होता है, एक बार इसको क्लियर कर लीजिए पॉइंट को। सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब है इसकी हमें पढ़नी है कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली के बारे में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सबसे पहले कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इसका क्या रहेगा, तिल। कॉमन नेम रहेगा तिल। नेक्स्ट साइंटिफिक नेम की बात करें तो सेसामूम इंडिकम, इंडिकम सेसामोम इंडिकम, सेसामोम इंडिकम, ठीक है। ये रहेगा इसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्या है, फैमिली पेडेलियसी। पेडेलियसी फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है। अब तक हमने जितने भी क्रॉप पढ़ रहे थे, प्लांट पढ़ रहे थे, उनके अंदर क्या था, लेगुमिनेसी। ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ रहे थे हम, जो हमारी सीड ऑयल क्रॉप पड़ी थी उसके अंदर क्या था, ग्राउंड नट पड़ रहे थे, उसके अंदर लेगुमिनेसी फैमिली के हमने कुछ मतलब किया था डिस्कस, तो वो थी लेगुमिनेसी। पर ये जो आपकी ऑयल सीड के अंदर सेसामम इंडिकम क्रॉप है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, पेडेलियसी, पेडेलियसी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, लीडिंग कंट्री की बात करें तो वो इसकी है म्यांमार, ठीक है। और स्टेट की बात करें तो वो रहेगा यूपी। स्टेट कौन सा है, यूपी, ठीक है। सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर कॉमन नेम पढ़ लिया, कॉमन नेम के अंदर हम क्या है, इसको तिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक नेम की बात करें तो सेसामम इंडिकम इसका रहेगा साइंटिफिक नेम। फैमिली कौन सी है इसकी, पेडेलियसी फैमिली से बिलोंग करता है कौन सा, सेसामम इंडिकम तिल, यानी कि, ठीक है। और लीडिंग स्टेट कंट्री की बात करें तो म्यांमार, और स्टेट की बात करें तो यूपी। अब बात करते हैं सीड रेट के बारे में। यहां पे लिख लेता हूं मैं सीड रेट। जैसा कि आपको पता है इसके सीड्स है वो लाइट वेट के होते हैं, तो हमें ये 2 kg पर एकड़ के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं, 2 kg पर एकड़, ठीक है। इसके हिसाब से हम इसको यूज किया जाता है इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट हम इसकी कुछ वो देख लेते हैं एक बार, प्रोटीन और ऑयल कंटेंट, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आपको सोयल सीड क्रॉप पे, ऑयल सीड क्रॉप पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऑयल सीड क्रॉप पे। तो एक बार वो प्रोटीन कंटेंट और ऑयल कंटेंट इसके अंदर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सोयाबीन का पिछली बार आया हुआ था 2017 के अंदर, तो हो सकता है इस बार इस क्रॉप पे पूछ लिया जाए। तो इसका जो ऑयल कंटेंट होता है वो कितना रहता है, 46 से 42% इसके अंदर ऑयल पाया जाता है, और 20 से 26 आपको इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। ऑयल कितना रहेगा, 46 से 42% इसके अंदर ऑयल की मात्रा पाई जाती है, और 20 से 26% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, तिल के अंदर, तिल यानी सेसामम इंडिकम, सेसामम इंडिकम, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपोर्ट कर रहा हूं वीडियो के अंदर ताकि आपको भी ये लर्न हो जाए इसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी की बात करें या करेक्टरिस्टिक की बात करें, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट हैज एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी,
यानी कि ये प्लांट है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये एज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट के हैं, यूज किए जाते हैं। ये क्या इसकी मेन करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट क्या है? डिजीज। डिजीज मतलब इस प्लांट के अंदर मेन डिजीज कौन सी है जो कि इस प्लांट को एक पर से डिमेज भी कर सकती है। ठीक है, तो ऊपर वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डिजीज की। तो डिजीज इसके अंदर कौन सी है? वो है फाइलोडी। फाइलोडी, फाइलोडी डिजीज है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज है, यानी कि ये जो डिजीज है इस प्लांट के लिए डेंजरस बोल सकते हैं, या डिस्ट्रॉय कर देती है एक टाइप से इस प्लांट को। तो फाइलोडी क्या है? इसकी एक मेन डिजीज पाई जाती है। अब इसके कुछ सिम्टम वगैरह देख लेते हैं डिजीज के। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ऑर्गेनिज्म, कोजल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? इस जो हमारी डिजीज है इसको कौन कोज करता है? तो ये रहेगा आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा, जो कि इस डिजीज को क्या है, कैरी करता है। इसकी वजह से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट की बात करें तो वेक्टर, वेक्टर इसका रहेगा लीफ हॉपर। लीफ हॉपर, ठीक है, वेक्टर का मतलब वो होता है भी इस डिजीज को कैरी करने वाला कौन है। तो लीफ हॉपर होता है वो क्या है, इस डिजीज का वेक्टर होता है, वेक्टर। और ये कौन सा है? माइकोप्लाज्मा क्या एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि डिजीज को कोज करता है, और उसको कैरी करने वाला डिजीज को वेक्टर को, और एक टाइप से जो आपका वायरस बैक्टीरिया जो भी है इसको मतलब डिमेज करता है, उसका वेक्टर रहेगा लीफ होपर। लीफ होपर, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्पटम्स। सिम्पटम्स की क्या होता है? इसके सिम्पटम ये रहेगा जो इसकी जो बोल सकते हैं फलियां होती है, फलियां, वो क्या है, एक टाइप से क्लस्टर बन जाता है उनका, और वो क्या है, लीफ पार्ट के अंदर एक टाइप से यूज हो जाती है। मतलब क्या है इसका? फ्लोरल पार्ट आर ट्रांसफॉर्म्ड फुली और पार्शियली इनटू ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर। यानी कि फ्लोरल पार्ट का मतलब है जो इस प्लांट के पार्ट, फ्लोरल पार्ट मतलब जो फलियां वगैरह हो गई, ठीक है, वो क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड फुली और पार्शियली इनटू ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर। यानी कि जो ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो फलियां वगैरह है, वो एक टाइप से गुच्छा बना लेती है हरी पत्तियों का, और जो फलियां वगैरह है वो फिर नहीं लगती है, जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। ये इसका सिम्टम रहता है, जो ग्रीन लीव्स बोल सकते हैं वो क्या है, एक टाइप से गुच्छा बन जाता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेराइटीज़ की बात करें तो इनकी कौन कौन सी वेराइटीज़ है वो ग्रो की जाती है। पहली वेराइटीज़ है हरियाणा, हरियाणा तिल वन, दूसरा पंजाब तिल वन, और गुजरात तिल वन। ठीक है, ये तीन इसकी मेन वेराइटीज हैं जो कि हमने पढ़ी। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, जो सेसामम इंडिकम है यानी कि तिल अपने जो ऑयल सीड क्रॉप है उसके बारे में पढ़ा। क्या कुछ मैंने समझा दिया आपको? तो इसमें आपका कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब हम नई जो अपनी ऑयल सीड क्रॉप है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट रखिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू गाइज, आपका दिन शुभ रहे।